नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आप आज इस वीडियो के माध्यम से हम यहां पर हमारे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए तीन महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो कि समय के साथ साथ बेहद ज़रूरी हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, जो बदलाव यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा किए गए हैं, उनकी जानकारी देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें, ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी जो पहली वीडियो है, वो भारतीय सेना में किए जा रहे एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय सेना में एक महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी मिली है। ये जो नियम है, इन नियम के अकॉर्डिंग अब एनसीओ की एसीआर, मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव भारतीय सेना करने जा रही है। भारतीय सेना में जो बदलाव किए गए हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, समय समय पर काफ़ी बदलावों में जवानों के लिए ड्रेस अलाउंस, वन रैंक वन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, सीएसडी कैंटीन न्यू रूल आदि बदलाव किए गए हैं, और इन सभी नियमों में सफलतापूर्वक लागू होने के पश्चात अब इंडियन आर्मी ने एक नया महत्वपूर्ण बदलाव किया है। भारतीय सेना में अब एनसीओ, जिसको नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं, जिसमें मुख्यतः नायक और हवलदार रैंक शामिल हैं, कि एसीआर से संबंधित एक बदलाव करने के लिए प्रस्ताव रख दिया है। एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग, सेना में एनसीओ के एसीआर को लिखने की जिम्मेदारी जेएसओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर को दी जा सकती है। इससे पहले एनसीओ तथा जेएसओ के एसीआर कंपनी कमांडर या फिर अन्य ऑफिसर द्वारा लिखे जाते थे। इस बदलाव का मेन मकसद यही है कि एनसीओ सेना में जेएसओ को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। जेएसओ ही एक एनसीओ की कार्यशैली, डिसिप्लिन को अफसर की तुलना में ज़्यादा नज़दीकी से देख पाता है। इसके अतिरिक्त सेना में अफसर की कमी तथा अत्यधिक वक्त होने के कारण भी जेएसओ को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का कारण माना जा रहा है। यदि यह नियम इंडियन आर्मी में कंप्लीट होता है, तो जेएसओ, जिसमें नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर रैंक शामिल हैं, एनसीओ की एसीआर लिखेंगे, जबकि कंपनी कमांडर रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे। आर्मी हेडक्वार्टर की एडजेसेंट ब्रांच द्वारा इससे संबंधित लेटर जारी किया गया है, जिसमें जिसके अनुसार आर्मी की कमांड और कंट्रोल संरचना का जेएसओ रैंक एक अहम हिस्सा है, इसलिए उन्हें अपने सबॉर्डिनेट को कमांड और कंट्रोल करने के लिए एम्पायर करना जरूरी है। एडजेसेंट जनरल ब्रांच द्वारा इस नियम से संबंधित यहां पर फीडबैक भी मांगी गई है, जिसमें जिसके बाद इस रूल को यहां पर लागू कर दिया जाएगा। हालांकि यह अभी केवल एक प्रपोजल है, ये रूल लागू होने से जेएसओ रैंक को और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने को मिलेगा। यदि देखा जाए तो आर्मी की तरफ से एक अच्छा कदम है, ये अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। हालांकि इसके लागू होने के तुरंत बाद कुछ परेशानियां हों, परंतु कुछ समय पश्चात ये आर्मी के लिए एक अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये फैसला, ये रूल अगर लागू हो जाता है, तो वो यहाँ पर कैसा रहेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या ये रूल लागू होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के हमारे सेकेंड अपडेट की तरफ। दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट में हम ESM के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्म फोर्स वेटरन इमरजेंसी केस में कहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो में हम यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने मोबाइल से 1904 डायल कर सकते हैं, और इससे आप अपने नियरेस्ट आर्मी एक्सचेंज से कनेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग नंबर यहाँ पर आपने ट्राई किए होंगे, तो इन सभी को ट्राई करने के बाद जो मेन या और फिर सब जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट हैं, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर एयरफोर्स से रिटायर हैं, तो आप यहाँ पर 1932 डायल कर सकते हैं, एयरफोर्स एक्सचेंज नंबर है। ECHS मैटर से संबंधित व्हाट्सएप नंबर है 9868857972। ऐसे ही आर्मी इश्यूज हैं, उनके लिए आपको कंप्लेंट करना है, तो आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं 9643408। और ECHS हेल्पलाइन नंबर अगर आपको चाहिए, तो वो है 1800114115। ऐसे ही डायरेक्ट्रेट ऑफ एक्स सर्विसमैन अफेयर्स का कॉन्टैक्ट है 1800113999। एयरफोर्स हेल्पलाइन 1800115800। ऐसे ही नेवी हेल्पलाइन नंबर है 1800220560। आर्मी हेल्पलाइन नंबर है 1800116644। ऐसे ही मिलिट्री पुलिस
हेल्पलाइन नंबर है 155200। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वेटरन्स या वेटरनेट्स हैं उन सभी से ये वीडियो जरूर शेयर कर लें, ताकि वो भी इनके यहाँ पर इनका यूज कर सके और उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की हमारी थर्ड अपडेट की तरफ। दोस्तों तीसरा बड़ा जो फैसला लिया गया है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुनर्वास निधि प्रबंधन की समिति बैठक हुई थी 47वीं, उसमें लिया गया है पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिए अब 1,00,000 रुपये मिलेगा। बाकी भी यहाँ पर कई फैसले लिए गए हैं, चलिए एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रदेश में पूर्व सैनिक की मृत्यु होने पर उनकी पत्नियों को पुत्रियों की शादी में अब 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। ये फैसला 47वीं बैठक में लिया गया है। 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को 5,000 रुपये, पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ चल रही वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ा दिया गया है। कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये, 11वीं 12वीं वालों को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये, और यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 5,000 से बढ़ाकर 7,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा। इसी तरह इंटर स्तर तक के तकनीकी कोर्स जैसे कि ITI आदि के लिए 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये, और यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के तकनीकी छात्रों को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये दिया जाएगा। शहीद सैनिकों के आश्रितों को तकनीकी ट्रेनिंग के लिए उपकरण खरीदने पर 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये थी 3 महत्वपूर्ण अपडेट। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।